press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और पहली बात तो फर्स्ट ऑफ जैन मतलब साल का पहला दिन और हम लोग एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ा नया साल का जो तोहफा हमें मिल ही नहीं सकता और हमें बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि ये शो सबकी उम्मीदों में खरा उतरेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। सेम ईयर फर्स्ट ऑफ जैन न्यू ईयर और उसके साथ इतनी बड़ी खुशी हमारे लिए भी है कि हम हमारा शो लेके आ रहे हैं और उसके साथ ही प्राइम टाइम पे, सो और भी ज़्यादा खुश है। सो दैट्स लाइक अमेजिंग फीलिंग, रियली एक्साइटेड टू। पहली चीज़ तो ये थी कि मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ इस कैरेक्टर के साथ, जो कि काफ़ी काम है और काफ़ी सपोर्टिव है फैमिली की तरफ, एंड मेरा भी मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ। तो इसमें भी यही पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि मैं अपनी बहन केसर के साथ जो मेरा एक इमेंस लव है, मैं उसके साथ कैसे खड़ा हूँ, उसको कैसे उसके साथ उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा हूँ। सो बहुत काफ़ी रिलेटेबल कैरेक्टर था एंड ऑब्वियसली एग्जाम्पलरी चैनल है कलर्स, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू डू दिस शो एंड ग्लैड दैट आई एम डूइंग इट। ये शो जब मुझे ऑफर हुआ था तो सबसे पहले मेरे सामने कॉन्टिलो था, जिनके साथ मैंने जिन्होंने मुझे इतना अच्छा शो दिया था अशोका, और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी जर्नी थी और वहाँ से हमारा रिलेशन आगे बढ़ा और वो और स्ट्रॉन्ग होता रहा डे बाय डे। सो वहाँ तो मैं मना कर ही नहीं सकता था। देन कलर्स ऑफ कोर्स अगेन अशोका एंड सो एक अलग ही मेरा उनके साथ एक दिल से करीब से रिश्ता है। फिर जब मैंने इस कैरेक्टर को देखा, इस कैरेक्टर को मैंने समझा और मुझे बहुत बहुत एक्साइटेड लगा, मतलब कि इसमें क्या है कि सिर्फ इसके तीन शेड्स हैं, भाई के साथ अलग है, वाइफ के साथ अलग है और वो पर्सनली उसके जब अपना होता है वो बिल्कुल अलग है। सो एज एन एक्टर ये आपको चैलेंजिंग जो रोल होते हैं ऐसे करने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इसका वेट कर रहा था। और फिर मैंने इस पर थोड़ा वर्क किया कि जोरावर कैसा होगा, जोरावर कैसे खड़ा होता होगा, जोरावर कैसे बात करता होगा। सो वो धीरे धीरे मैं उस जोरावर को ढूंढता आ रहा हूँ और अब तक अच्छा चल रहा है और अच्छा ही एक्सपीरियंस है, खूब सीखने को मिल रहा है। नहीं, ये थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दंगल। एक सी, अगर दंगल से पहले ये शो आता तो आप बोलते भी नहीं। दंगल एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग स्टोरी है। दंगल एक वहाँ पे एक फादर ने उसको बहुत सपोर्ट किया था, उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया था, काफ़ी चीज़ें बिल्कुल थी और वहाँ सिर्फ दंगल 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 था। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को, यहाँ पे उसका फादर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, गाँव सपोर्ट नहीं करता, फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता और हमने बहुत छोटी, हमने सिर्फ अखाड़ा या यही चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया, हमने जैसे पढ़ाई है, कैसे छोटे गांव में लोगों की सोच होती है लड़कियों को लेकर, ऐसे घूंघट लेकर चलना या तू इतने साल की होगी या तो इतने में खाना बनाना, हमने बहुत छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों को भी उस चीज़ को हम आगे लेकर आए हैं ताकि थोड़ा सा सोसाइटी में बदलाव हो। तो ये उससे बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है। शातिर, चालाक, होशियार और क्या बोलूँ, बहुत स्मार्ट है। एक वर्ड में तो संस्कारी संस्कारी या संस्कारी। आप हमें खूब सारा प्यार देते रहें, आपके प्यार की बहुत सारी ज़रूरत है और इस शो को सिर्फ शो ही ना समझें, इस शो से कुछ सीखें, अपने फैमिली वालों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं और हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम इतना सा भी सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं इस शो की वजह से। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। फर्स्ट जैन 8:30 कलर्स, बिग बॉस से पहले बाद में हम ही बिग बॉस। गाइस, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस और आप देख रहे हैं IWM बस। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं IWM बस और आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से नया साल मनाइए, खुश रहिए और किसी को परेशान मत कीजिए, ये तो बिल्कुल मत लीजिए। थैंक यू।